बैक टू बैक एग्जामिनेशन आयोजित कर रहा है। 18 से 22 के बीच में आपने देखा 5 एग्जामिनेशन आयोजित की गई थी और ये सभी एग्जाम हम लोगों ने लास्ट एग्जाम जो ली थी 15 मार्च को, उस एग्जाम का कथित रूप से क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद जो प्रक्रियागत सुधारों का दौर आयोग ने शुरू किया और जो सुधार किए गए हैं वो सुधार के आलोक में ली गई थी। इसके अलावा जून महीने के एंड में भी 28 और 29 तारीख को भी हमने हेड टीचर और हेड मास्टर के एग्जाम इसी सुधारों के साथ ली थी। तीसरे दौर का एग्जाम हम लोग जून में अगस्त महीने में ले रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया 2 अगस्त को एक एग्जामिनेशन है जिसके करीब 17-18 हज़ार कैंडिडेट है और उसके बाद 12 और 13 अगस्त को भी एग्जाम और उसी क्रम में आगे सितंबर महीने में भी अगर हमारे पास वैकेंसी पोजीशन आ जाती है तो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन उसी कड़ी में किया। तो मुख्य रूप से आयोग ने जो सुधार उसमें लागू किए थे वो सुधार एक काम में भी चालू रहेंगे और उसको और इंटेंसिफाई किया जाएगा और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। जहाँ जहाँ कदाचार होने की संभावना है, जहाँ कोई अन्यथा बात है और जहाँ आयोग को कोई गैप नज़र आती है वो गैप को लीक प्लग करने के लिए जो प्रशासनिक कार्रवाई चाहे क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में हो, सीलिंग पैकेजिंग में हो, रैपिंग स्ट्रैपिंग में हो या एक बार जिलों में पहुंच जाने के बाद केंद्रों तक पहुंचाने का, ये सभी स्तर पर जो जो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है वो इम्प्रूवमेंट आयोग इस वाले में भी करेगा जो अगस्त महीने में एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी और उसके आगे वाले भी एग्जाम। इसके बावजूद आपने देखा होगा कि पिछले एग्जाम के दौरान करीब 60 बच्चे ऐसे पाए थे जहाँ इम्पर्सनेशन के केस है, तो मतलब है कि जिसका जो अभ्यर्थी वो खुद नहीं बैठे थे उनके बदले को आदमी बैठ के कोशिश कर रहा था कि वो एग्जाम दे दे, पर जैसे मैंने बताया ये संभव नहीं है इसलिए कि हम लोग के पास सभी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है और एक बार वो सेंटर में आते हैं तो हर एक कैंडिडेट का बायोमेट्रिक इंप्रेशन का मिलान किया जाता है। जो मिलान नहीं होता है वो निश्चित रूप से इम्पर्सोनेशन का मामला है और तदनुसार उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है और आयोग के स्तर से बहुत कड़ी एक्शन होता है और वो सबको आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए आयोग निवार करेगा। ये बात हम लोगों ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कही थी कि आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से ये बात सभी कैंडिडेट को पहुँचे कि कोई इस तरह के कोशिश ना करें, अगर कोशिश करेंगे पकड़े जाएंगे, डिबार होंगे, प्राथमिकी दर्ज होगी और उनका करियर दाव पर लग जाएगा, उनका वो आगे अपना परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसी प्रक्रिया को और भी कड़ा बनाने के लिए भी आयोग ने कोशिश की है कि सभी कैंडिडेट का एक मास्टर डेटाबेस तैयार किया जाए जिसके आधार पर कैंडिडेट की पर्सनल जो डिटेल है उसको हम लोग एग्जामिनेशन के पहले ही उनसे कलेक्ट करें। ये डिटेल ऐसी होगी जिसमें चेंज होने या सुधार की संभावना नहीं है, जैसे कैंडिडेट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उनका 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट है, उनका 60 का सर्टिफिकेट है, तो ये सब चीजें ऐसी है जिसमें सुधार की संभावना नहीं है। तो वन टाइम ये सभी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जो पिछली जो एग्जाम ली है उसमें भी हमारे पास है, उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेके और कुछ आम जो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक आयोग के एग्जाम नहीं दिए है और आयोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उनको एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनकी
ये डिटेल को मांगी जाएगी और एक इसका मास्टर डेटाबेस तैयार किया जो पर्सनल डिटेल का होगा। जब कैंडिडेट कोई आयोग के एग्जाम देने के लिए इच्छुक होगा तो उसको ये पर्सनल डेटाबेस भरना नहीं है फिर से। जैसे वो अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेगा, ये पर्सनल डेटाबेस उनके नए एप्लीकेशन फॉर्म में चला जाएगा। उनको मात्र वो एग्जाम के स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन होगी उतनी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन उनको देनी होगी। इससे है कि मास्टर डेटाबेस में मैनिपुलेशन का आधार चांसेस सबसे कम रहेगी। तो ये आयोग कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके इस तरह की व्यवस्था को लागू किया जा सके ताकि इम्पर्सोनेशन की या अपने पर्सनल डेटाबेस का जो रिकॉर्ड है उसके छेड़छाड़ करने की कोशिश को नाकाम किया जा सके, नहीं के बराबर हो उसकी चांसेस। तो ये एक सुधार ऐसा है जो आगे आने वाले दिनों में आयोग की ओर से लागू किया जाएगा, स्पेशली तब जबकि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी परीक्षाओं के संचालन में कई तरह की चैलेंज आ रही है। बट आयोग अपना अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहा है। हमने बैक टू बैक एग्जाम भी लिया, जो एग्जाम जून महीने में ली, 5 एग्जाम हम लोगों ने जुलाई महीने में ली और आगे अगस्त महीने भी हम लोग 3 एग्जाम ले रहे हैं, परीक्षाएं देते हैं, उनको एक स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त व्यवस्था के तहत परीक्षा देने का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी प्रतिभा के अनुसार इन परीक्षाओं में प्रदर्शन कर सके, बाकी चीज़ों से उनको मुक्ति मिल सके और वो इस बात से निश्चित हो जाए कि परीक्षाओं में कदाचार होगा, इम्पर्सोनेशन हो जाएगा, वो चोरी करके परीक्षा में पास हो जाएगा, क्या कई मामलों में जैसे हुआ है कभी पेपर लीक इत्यादि की व्यवस्था को भी वो भी ना हो, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करें। मेरी ओर से इतना ही था, आपको अगर कोई क्वेश्चन है, सुझाव है तो आपका सुझाव सब आमंत्रित होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो डेटाबेस एक टाइम का नहीं होगा, वो लगातार हम खुला रखेंगे उसको। कोई भी बच्चा एग्जाम देने के लिए बैठना चाहेगा तो पहले वो अपना पर्सनल डेटा आयोग को दे देगा, उसके बाद वो एग्जाम का फॉर्म भरेगा। तो ये हम एक बार एडवर्टाइजमेंट देके बंद नहीं कर देंगे, वो कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा, जब एग्जाम देनी होगी उसके पहले वो भर लेगा। बट एक बार भर दिया तो उसको आयोग के आगे वाले एग्जाम में फिर से भरने की जरूरत नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या ऐसा कुछ हम दे देंगे, नंबर जो अल्फा न्यूमेरिकल नंबर या फिर नंबर दे देंगे उनको। सर ये मतलब कि अगर हम साफ कर दो, इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारे सिस्टम में डेटा है, डेटा ऊपर है, अगर हम रेगुलर व्यक्ति में आयोग वो सारी जानकारी आपके पास रहेगी, हमें एकदम संबंधित एग्जाम की जानकारी एकदम सही समझ, हमारे लिए सुविधा होगी इतना हमें एकदम सही है। आयोग के लिए फायदा ये होगा कि कोई आदमी अपनी जो ये सब चीजें है उसमें जो छेड़छाड़ करता है वो नहीं कर पाएगा। एक बार दे दिया तो उसके बाद ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी एक्स इंफॉर्मेशन दे के दूसरी एग्जाम में वाई इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो वो नहीं दे पाएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग,
ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।